Welcome to Code Students. So, Servlet Java Tutorials की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो देखा था, उसमें हमने देखा था किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। आज हम देखने वाले हैं, जो भी डेटा हम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डेटाबेस के अंदर भेजते हैं, उसका यूज करके हम लॉगिन कैसे करते हैं। तो आज हम लॉगिन देखने वाले हैं, किस प्रकार से हम डेटाबेस का यूज करके लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और लॉगिन का यूज करते हैं। तो बच्चों, बने रहिए कोडर के साथ और देखते रहिए ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैं देखता हूँ कि व्यूज बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हैं ये वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोगों को ये कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत नॉलेजेबल है। अगर आप इन सीरीज को कम्प्लीटली स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स डाले हैं, अगर आप इनको ही कर लोगे तो आपको 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। तो बच्चों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इन ट्यूटोरियल्स को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन भी करने वाले हैं। तो लास्ट का मैं आपको थोड़ा क्विक बता देता हूँ। हमने देखा था, हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मैं आपको पहले एक बार रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूँ, जो आपने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखें। एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरीके का हमको रिजल्ट मिलने वाला है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको इसी डेटाबेस का यूज करके लॉगिन कैसे करना है। तो आप सभी लोग इस चीज को याद रखिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं यहाँ पर दो बटने दिख रही हैं, रजिस्ट्रेशन की दिख रही लिंक और एक लॉगिन की दिख रही है। तो आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन साथ में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पर गया और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा मेरा नाम, ठीक है। मैं पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 दे दिया। मैंने रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी यूज किया है, तो मैं यहाँ पर lokesh@gmail.com, ये मेरा यूजर नेम भी रहेगा। मैं मेरा एड्रेस दे देता हूँ, इंदौर, और मैंने यहाँ पर क्या किया, रजिस्टर किया। तो मेरा यहाँ पर पेज क्या हो गया है, सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन बटन पर जाऊंगा और लॉगिन करने के लिए मैंने यहाँ पर जो अपना यूजर नेम डाला है, lokesh@gmail.com, इसी पर पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 डाला था और एंटर करूंगा। तो देखो, मैंने 1 2 3 4 5 डाला, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर। फिर से मैं lokesh@gmail.com करूंगा और पासवर्ड यहाँ पर लिखूंगा 1 2 3 4 5, और जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन बटन दबाऊंगा तो देखिए वेलकम टू लोकेश आ गया, मतलब आपका लॉगिन फॉर्म स्टार्ट हो गया, लॉगिन पेज आपका स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि हम लॉगिन पेज की कोडिंग कैसे करेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारा लॉगिन पेज काम करता है। अब हम लोग चलते हैं कोडिंग पे, किस तरीके से हम कोड लिखते हैं, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा पेज कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, हमने रजिस्ट्रेशन देखा। मैं यहाँ पर जाता हूँ लॉगिन एचटीएमएल के अंदर, और लॉगिन एचटीएमएल के अंदर हम देख पा रहे हैं हमने एक्शन का नाम क्या रखा है, लॉगिन रखा है। मेथड पोस्ट यूज की है, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप लिया है, यूजर नेम लिया है और पासवर्ड लिया है। यूजर नेम हम लोग नॉर्मली ईमेल यूज कर रहे हैं,
यहाँ सबमिट किया है, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये लॉगिन एक्शन पे जाएगा और इसकी कोडिंग हमने किसके अंदर कर रखी होगी, हमने एक यूआरएल पैटर्न के थ्रू लॉगिन देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और लॉगिन कौन से सर्वलेट के अंदर है, लॉगिन सर्वलेट के अंदर है। तो यहाँ पर आपको यूआरएल पैटर्न दिखा लॉगिन, ये लॉगिन किसको सर्च करेगा, इसको सर्च करेगा। अब हम सबसे पहले जाएंगे लॉगिन सर्वलेट के अंदर, तो लॉगिन सर्वलेट हमारा कॉम डॉट कोडर डॉट लॉगिन के अंदर अवेलेबल है, तो जावा रिसोर्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर कॉम डॉट कोडर डॉट लॉगिन अवेलेबल है, मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लॉगिन सर्वलेट मिलेगा। तो लॉगिन सर्वलेट पर हमने सेम चीज किया, सेट कंटेंट टाइप किया है, गेट राइटर किया है, यहाँ पर हमने एक पैरामीटर लिया है, यूजर नेम लिया है, पासवर्ड लिया है। अब मैंने जो यूजर नेम पासवर्ड ले रहा हूँ उसको मैंने स्टोर करा लिया है एन में और पी में। इसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ की कंडीशन, और इफ कंडीशन में एल डायो नाम की एक मैंने क्लास बनाई है, उसके अंदर एक वैलिडेट नाम की मेथड है। तो इस वैलिडेट मेथड को देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है। ये पैरामीटराइज मेथड है, इसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, एक एन पास किया है, एक पी पास किया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वैसे ये एल डायो मेथड के पास जाएगा, वैलिडेट मेथड के पास में जाएगा, और यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग यूजर नेम नेम ले रहा है और पासवर्ड ले रहा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक स्टेटस लिया है, इसको बुलियन फॉल्स कर दिया है, मतलब अभी इसकी कंडीशन नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप सभी पता है JDBC का कनेक्शन बताया है, यहाँ पर दिस इज क्लास नेम, ये ड्राइवर है हमारा और ये क्लास नेम है, ओरिकल JDBC डॉट ड्राइवर ये हमारा पैकेज का नेम है और ये हमारी क्लास है। इसके बाद हमने एक URL गेट कनेक्शन बनाया है। इसके बाद में JDBC जैसे हमारी यहाँ पर API है, ओरिकल हमारा डेटाबेस है, थिन हमारा ड्राइवर है, कनेक्शन है, सॉरी लोकल होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर है और ये हमारी सर्विस है, सिस्टम हमारा यूजर नेम है और एडमिन हमारा पासवर्ड है। यहाँ पर मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज किया है, आपको सभी को पता है स्टेटमेंट का यूज हम स्टैटिक कनेक्शन के लिए करते हैं और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज हम डायनेमिक कनेक्शन के लिए करते हैं, डायनेमिक टाइम मतलब रन टाइम पे वैल्यू पास करने के लिए करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर यूजर, याद करो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइप पर, मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन जब हमने किया था तो रजिस्टर के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि हमने इसी टेबल के अंदर ये डेटाबेस को पास किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर गए, इसके बाद यहाँ पर हम गए यहाँ पर वेयर ईमेल और पासवर्ड, हमने क्या लिया, जो भी हमारा ईमेल स्टोर है पासवर्ड स्टोर है उन दोनों की वैल्यू लेके आए, और यहाँ पर हमने फर्स्ट के अंदर नेम और सेकेंड अंदर पास, मतलब नेम की वैल्यू आपके किसके अंदर जाकर स्टोर हो, इस नेम की वैल्यू हमारे किसके अंदर हम सेट कर रहे हैं ईमेल के अंदर, और यहाँ पर किसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं पासवर्ड की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू हमारी गई। इसके बाद हमने यहाँ पर केवल आपको जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर ईमेल की वैल्यू मिलेगी और पासवर्ड की वैल्यू मिलेगी, नंबर वन पर यहाँ पर ईमेल जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, पासवर्ड जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में हमने रिजल्ट सेट लिया है, ये क्लास होती है, इसके अंदर हमने एग्जीक्यूट क्वेरी लिया है और यहाँ पर स्टेटस RS एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने नेक्स्ट मेथड लगाया है, तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, अगर वो टोकन होगा तो उसको नेक्स्ट कर देगा। ठीक है, और अगर हमने इसमें कुछ भी गड़बड़ किया है तो हमको वो एक्सेप्शन क्या करेगा, थ्रो कर देगा। इसके बाद में आप वापस से लॉगिन सर्वलेट के अंदर जाइए, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो सीधा वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर पर जाएगा और गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर पर जाने के बाद वो किसको हिट करेगा, वेलकम। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड मेथड का यूज किया है, तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, web.xml के अंदर एक वेलकम नाम का सर्वलेट नेम अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं web.xml के अंदर जाते हैं और देखते हैं वेलकम नाम का एक हमारा सर्वलेट नेम अवेलेबल है। इस वेलकम जो हमारा अवेलेबल है, यूआरएल पैटर्न भी हमारा वेलकम होगा, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैं कॉम डॉट कोडर के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर आपको वेलकम पेज दिखेगा, तो हम यहाँ पर वेलकम पेज पर जाते हैं और वेलकम पेज में हमने कुछ भी नहीं किया है, उसका जो भी हमने ईमेल आईडी जो लिया था, जो हमने उसके अंदर एंटर किया था टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, गेट पैरामीटर यूजर नेम ले लिया है, उसके बाद हमने वेलकम डॉट एन कर दिया है, उसके बाद हमने आउट को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर पूरा लॉगिन फॉर्म का पैटर्न को बनाया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा लॉगिन एचटीएमएल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन एचटीएमएल के अंदर क्या है, और ये लॉगिन एचटीएमएल डायरेक्ट हमको कहाँ पे ले जाएगा, लॉगिन में, और ये लॉगिन कहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, लॉगिन सर्वलेट के अंदर। लॉगिन सर्वलेट के अंदर हमने वैलिडेट नाम की मेथड बनाई है, और वैलिडेट के बाद हमने यहाँ पर एक एल डायो लिया है, तो एल डायो के अंदर हमने इसका यूज किया है। ये सारी चीजें कन्फर्म करने के बाद वापस से इसी पेज पर आएगी और ये आपको कहाँ भेज देगी, यहाँ पर। और अगर मान लो मेरा यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग है, याद करो तो उसने बोला था, तो वापस से वही लॉगिन डॉट एस टी एम एल को क्या कर देगा, सेम पेज को इसके अंदर क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। तो बच्चों ये हमारा पूरा कंप्लीट लॉगिन फॉर्म था। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको क्या करता हूं, दोबारा रन करता हूं, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करने की कोशिश करता हूं, और यहां पर मैंने इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम रन हो चुका है, तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। मैं यहाँ पे अभी ले लूंगा पासवर्ड में, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ले रहा हूँ बच्चों। ईमेल में यहाँ पर a@b.com ले रहा हूँ। एड्रेस में मैं यहाँ पर कुछ भी ले रहा हूँ, भोपाल ले रहा हूँ, और यहाँ पर सॉरी मुंबई ले रहा हूँ। ABC लिया, इंडिया लिया, और रजिस्टर किया, सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब मैं यहाँ पर कहाँ पर जाने वाला हूँ, लॉगिन पर जाने वाला हूँ, और लॉगिन पे मैं क्या लेने वाला हूँ, a@b.com। और आपको जैसा मैंने बताया था, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लूंगा, तो जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर वेलकम आ गया। अब इसमें एक और काम करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं यूजर नेम रॉन्ग ले, पासवर्ड मैंने यहाँ पर ABC कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर वो पेज इंक्लूड चला देगा और बोलेगा सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर नई नई चीजें आपको मिल रही हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड सही लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 करता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे लॉगिन मिलने वाला है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये कोड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से ये कोड आपको करना है, किस तरीके से आपको लिखना है। और अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं, और कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम जावा के अंदर CSS कैसे अप्लाई करते हैं, और CSS के थ्रू हम अपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज को कितना सुंदर बना सकते हैं ये भी देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको लॉगआउट भी आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा कि लॉगिन लॉगआउट कैसे करना है और डेटा को कैसे फेच करना है। और उसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको क्रूड ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा कि क्रिएट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और हाँ तो ये आपको बताने वाला हूँ। तो बट बच्चों बने रहिए कोडर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।